सब नो प्यार सत श्रीकाल, वेलकम टू इलेक्ट्रिक इंग्लिश। फिर थोड़े लिए एक ताज़ा खबर लैके आए हैं। पंजाब पुलिस की सब इंस्पैक्टर दोस्ट आ गई जी, कॉन्स्टेबल दोस्ट आ गई हूँ। फाइनली हैड कॉन्स्टेबल की वेट कर रहे थे, भी पोस्टा सरकार ने रिलीज़ कर दी ने। विस्तार नोटिफिकेशन पढ़ा, 9 पेज की नोटिफिकेशन है जी। ध्यान देखेंगे कि डेट में एग्जाम है, किनिया पोस्टा ने, किन्नी फीस है, सिलेबस की है। ठीक है जी, जुड़े रहो। सब तो पहले देखते हैं जी हैड कॉन्स्टेबल दोस्टा ने जी, इन्वेस्टिगेशन कैडर के। ठीक है जी, ये वाला महकमा है जी। उस तो बाद इन्होंने जोड़ा क्या है जी, डेट ऑफ रिटन एग्जामीनेशन फ्रॉम सितंबर 11 to 20 सितंबर के बीच हो जाएगा जी। ठीक है, ध्यान रखना, देखो साफ साफ लिखा हुआ 11 to 20 सितंबर के बीच एग्जाम हो जाएगा जी 2021। द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, द फॉलोइंग डिटेल्स सब तो पहले पढ़ लेने जी। द फॉलोइंग डिटेल्स आर बीइंग शेयर्ड एज एडवांस इन्फॉर्मेशन टू प्रोवाइड सफिशियंट टाइम टू कैंडिडेट्स टू प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर कंप्यूटर बेस्ड रिटन टेस्ट एंड फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होएगा, मतलब चांसेस ने कि TCSE लगेगा जी। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होएगा एंड द डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट जल्दी आएगी जी। यह जस्ट प्री नोटिफिकेशन है। जो CBT होएगा जी, कंसिस्टिंग ऑफ 2 पेपर्स होंगे जी, 2 आवर्स ड्यूरेशन ईच, 2 पेपर होंगे, हर एक पेपर की जी ड्यूरेशन होगी 2-2 घंटे होएगी। विल कंप्राइज ऑफ 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर ईच पेपर विद 4 मार्क्स अवार्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। 2 पेपर होंगे जी, 2 में 2-2 घंटे के होंगे, 2 में पेपर 100-100 नंबर के होंगे, तो सही करने वाले 4 नंबर मिलेंगे एंड गलत करने वाले 0.25 कट्टे जाएंगे, 1 नंबर कट्टा जाएगा। ठीक है जी, तो इंपॉर्टेंट नोट जो दिता है उस तो बाद पढ़ सकते हैं जी। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी कंडक्टेड बिफोर द फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट, पहले टेस्ट होगा फिर स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। ओनली कैंडिडेट्स हु क्लियर द रिटन, मतलब रिटन जो क्लीयर करेंगे उन्होंने तो फिजिकल लेंगे जी। ठीक है, जो फिजिकल है जी एक क्वालिफाइंग इन नेचर है, ये बेसिस से मैरिट नहीं बनेगी, मेरिट ही बनेगी और रिटन टेस्ट के उपर भी बनेगी। मैरिट विल बी ड्रान प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन, जो मार्क्स थोड़े बनेंगे उस हिसाब से मैरिट बनेगी। डेट ऑफ टेस्ट सब्जेक्ट टू चेंज हो सकती है अगर कोविड वगैरह बिच आएगा। ठीक है, डिस्क्लेमर दिता हुआ है जी, पढ़ लेने एक बार, कुछ चेंज ना किया हो। दिस इन्फॉर्मेशन इज बीइंग शेयर्ड विद कैंडिडेट्स रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी फिजिकल स्टैंडर्ड स्क्रीनिंग फॉर द रिक्रूटमेंट एंड टेस्ट सिलेबस। हाउएवर एग्जैक्ट डिटेल्स द कैंडिडेट्स मस्ट रेफर टू द एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट विच इज लाइकली टू बी पब्लिश्ड इन द प्रोमिनेंट न्यूज पेपर। ठीक है, वो हजे आएगी न्यूज पेपर वगैरह के। ठीक है जी, जो इंपॉर्टेंट न्यूज पेपर ने, ट्रिब्यून हो गया है वगैरह वगैरह। टोटल नंबर ऑफ पोस्टा 787 ने जी। ठीक है, एंड उस तो बाद इन्होंने होर की कहा जी, एज देख लो जी, 21 जनवरी किन्नी एज होनी चाहिए जी, 21 साल तो लैके 28 साल के बीच होनी चाहिए, 21 जनवरी 2021। क्लीयर है जी, नैक्सट देख लें। एंड रिलैक्सेशन वगैरह जी दी हुई है कास्ट नू, ठीक है जी, दूसरी कोटे नू तुसी चेक कर सकते हो, SABC नू, एक्स सर्विसमैन नू, या फिर जेडे गवर्नमेंट नू सर्व कर रहे हैं इस टाइम, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, दोवें ही कंसीडर किए हैं, ध्यान रखना। कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स नू, वी एस्पिरेंट्स नू कि असीं सेंट्रल गवर्नमेंट दे विच आ, साडा कंसीडर नहीं होगा, कंसीडर होगा 5 साल का। ठीक है जी, उस तो बाद मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट मस्ट बी ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट, ग्रेजुएशन चाहिए जी, 12वीं बेस से नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है जी, नेक्स्ट सिलेबस, सिलेबस की गल करिए जी। सब तो पहले जनरल अवेयरनेस है जी, पेपर 1 400 नंबर का होगा, जिदे 100 क्वेश्चन आएंगे जी। ठीक है, तो 2 घंटे का पेपर होगा। तो देखो ध्यान नाल, जनरल अवेयरनेस के पॉलिटी आ गई जी, पॉलिटी, हिस्टरी आ गई पंजाब की, साइंस टेक्नोलॉजी आ गई, उस सब इंस्पैक्टर वाला ही सिलेबस है सारा। ठीक है, वही सिलेबस है, तो संकल्प बैच जो सा चल रहा है परफेक्ट रहेगा जी। ठीक है, क्वानिटेटिव सेम सिलेबस है, जो भी एवरेज के मीन मोड मीडियम पाया से, ये भी मैंने लगता कॉपी पेस्ट मार्क ही पाता उन्होंने। ठीक है, पाकि करता जी। ठीक है, उस तो बाद भी देखोगे पंजाबी सेम जी, प्रेसी आ गई जी, ट्रांसलेशन आ गई, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आ गया, पैसेज आ गया, एंटोनियम सिनोनियम आ गया। ठीक है जी, बस लिखा इंग्लिश के विच है, सब इंस्पैक्टर पंजाबी जी लिखा सी, यही फर्क है जी। ठीक है, पेपर 2 आ गया जी, पेपर 2 दे विच रीजनिंग कंप्यूटर ते इंग्लिश आ जाऊगा अपना। ठीक है जी, तो सेम सारी चीज़ें सेम ने जी। ठीक है, कोई फर्क नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग इज सेम। उस तो बाद आप गल करिए कंप्यूटर के बेसिक कंप्यूटर है जिहड़ा, ठीक है, सारा करवा रखे एंड इंग्लिश का सुपर 100 बैच चल रहा, तुम्हें पता ही है सारा कुछ करवा रहे हैं। तो यह सी सारा सिलेबस जी। ठीक है, इस तो बाद जो फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट है जी, मेल के लिए मिनिमम हाइट कि 5 फुट 5 इंच, ठीक है, फीमेल के लिए कि 5 फुट 1 इंच। कैंडिडेट ईवेंट इन फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट की कुछ होएगा जी, 800 मीटर की करनी है जी, 4 मिनटा के एक चांस मिलेगा। लोंग जंप आनी है जी 2.5 मीटर, 3 चांस मिलेंगे। हाई जंप आनी है जी 0.9 मीटर, 3 चांस मिलेंगे। अगर एक्स सर्विसमैन की गल कर रहे हैं, लिखा हुआ है, फीमेल की गल करते हैं, 400 मीटर भजना जी 2 मिनटा के एक चांस मिलेगा। लोंग जंप मारनी है जी 1.80 मीटर, 3 चांस मिलेंगे। हाई जंप मारनी है जी 0.75 मीटर, 3 चांस मिलेंगे। ठीक है जी, यह दिता हुआ है। उस तो बाद साडे वालों भी थम्सअप एंड जेडे स्टूडेंट्स ने बुक्स
तो पढ़ना है, रेलेवेंट मटीरियल चाहिए, पिछले 10 साल के पेपर में कंपाइल किया वी मॉक्स ने, इन्होंने परचेज कर सकता, डिटेल्ड वीडियो असी तुसी साइट पर दिख रही होगी उत्थे भी पा देंगे, एंड इहदे इंडेक्स वगैरह जो भी डिटेल्स ने कितने ऑर्डर करनी है किवें किवें आएगी घर डिलीवरी होकर आएगी सारा कुछ दसा है। जिहड़े स्टूडेंट संकल्प बैच ज्वाइन करना चाहते हैं सेम सिलेबस है जी, 1% का भी फर्क नहीं है, ऑलमोस्ट सारा सेम है, डिटो सिलेबस है, वह बैच पूरा रेलेवेंट रहेगा। तुम अमेरिका चलो भी अपने को पूरा हजे वाधू टाइम पे 1.5-2 महीने पे, ठीक है, तो वधिया तरीके नाल आपां तैयारी कर सकते हैं। तो साडे वल्लों ऑल द बेस्ट, कोई भी होर क्वेरी होएगी तो तुसीं नीचे कमेंट करके दस सकते हो। बाय।